मतलब समझा ही नहीं है कि कैसे इसको निकाला गया है और कैसे मार दिया। बेबी शूट ये शायद है, ये देखिए, नहीं ये भी हैरान है, सरप्राइज है, ये देखिए मुंह खुला हुआ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब मेरे सारे वर्ल्ड सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब दोस्त, सारी बहनें, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में और अपनी बहन अल्लाह पाक सबको और सबको अपने जुमान में रखे, अमीन से अमीन। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखिए मदीने की सड़कें और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये सामने आप लोग देख सकते हैं सामने का रास्ता भी, ये सामने सामने रास्ता भी हरम को जाता है और इस साइड भी हरम को जाता है। तो यहाँ पे खड़े होके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और क्योंकि हवा भी आती है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, इतनी भी ठंडी नहीं लेकिन फिर भी ठंडी हवा आती है। वैसे तो यहाँ पर गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन शाम के टाइम ठंडी हवाएं आती हैं बहुत ज़्यादा, कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब गर्मी हो तब ज़्यादा ठंडी हवाएं नहीं होती हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग चाय बना रही हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसे वो कर रही हूँ, बॉइल कर रही हूँ, क्योंकि इसका फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मज़ेदार सी चाय बन रही है। यहाँ पे मैं मछलियाँ काट रही थी, तो ये आप लोग देख सकते हैं आयशा फातिमा यूसरा खेल रही है इन मछली के साथ। आयशा बोल रही है, हंस रही है, फातिमा बोल रही है, हंस रही है, देखें। और यूसरा बोल रही है कि बेबी शार्क टू डू, वो कार्टून में है ना, तो नर्सरी राइम जो है, देखें नर्सरी राइम में क्या है। मामी शर्ट और इसका एक फायदा ये भी है कि इनका डर भी खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने इनको परमिशन दी है हाथ लगाने की। बेबी शूट, वैसे तो मुझे भी डर लगता है सिस्टर शूट, सिस्टर शूट। और यूसरा बोल रही है बाबा का शॉट टू 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 टू, मम्मा शॉट टू टू, मुझे और बाप ने बाबा को बोल रही है। ये देखिए ये भी ये हंस रही है ना, नहीं ये गुस्से में लग रहा है ना, देखें और से देखें, ये गुस्से में लग रहा है ना, हाँ। और ये देखें, ये देखें, ये बड़ा सीरियस लग रहा है, हाँ ये देखें, ये वाला सही हो जा गई। और ये देखें, नहीं इसका मुंह बंद है बेचारे का, पता नहीं। ये देखिए, देखिए छोटा वाला देखते हैं कौन हंस रहा है। खराब ये बेचारा समझा ही नहीं है कि कैसे इसको निकाला गया और कैसे मार दिया। बेबी शूट इसमें से एक था, वो जैसे हंस रहा हो इस तरह से, तब ये कौन सा था? ये देखिए ये शायद है, ये देखिए, नहीं ये भी हैरान है, सरप्राइज है, ये देखिए मुंह खुला हुआ इसका। अच्छा तो अभी मछली साफ़ कर ली है, सारी मछली साफ़ कर ली है और कट्स भी लगा लिए हैं मैंने अंदर से। कट्स में से जैसे लगाती हूँ क्योंकि इसके अंदर कट्स के अंदर अच्छे से मसाला चले जाता है, तो ऊपर से सारे मसाले नमक वगैरह सब कुछ लगा लिया है मैंने। और इसे अभी कुछ देर के लिए रख रही हूँ क्योंकि तब तक के मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी। देखिए बच्चों का ये है, फिंगर फिश है ये बच्चों का, और बाकी साथ में चिप्स भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए बना रही हूँ। और ये फिंगर फिश जो है ये बच्चों का है, बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और ये देखें
आलू को गोल गोल काट दिया है और अभी इसे फ्राई करने वाली हूँ मैं पहले आलू को और उसके बाद बच्चों के लिए जो फिश मैंने रेडी किया है वो मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद ही मैं मेहमानों के लिए बनाऊँगी क्योंकि बच्चों का सादा है इस वजह से, वरना फिर ऑयल सारा वो हो जाएगा यानी कि मिर्चों वाला हो जाएगा, मसालेदार हो जाएगा, तो इस वजह से पहले बच्चों का करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो ये आप लोग देख सकते हैं मछली तैयार कर ली है मैंने और चिप्स भी आप लोग देख सकते हैं गोल गोल मैंने काटे हैं और ये बंगाली मिर्चें तेज़ वाली ये देख सकते हैं छोटे साइज़ वाली तेज़ वाली है ये देखें और मछली भी मज़ेदार बनी हुई है मसालेदार चटकारेदार। तो चलिए बाकी जो भी रूटीन होगी वो बाद में शेयर करूँगी, अभी ये लोग खाना खाएँगे। अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आप लोग को मदीने की थोड़ी सी सैर भी करवाऊँ और यहाँ पे ही इस ब्लॉग का एंड करूँ क्योंकि मैं हरम भी नहीं गई हूँ आज, पूरी रात यूस्ट्रा ने वॉमिटिंग की है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी यूस्ट्रा की और बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रही थी, पूरी रात ऐसी गुजारी सुबह से लेकर फिर दोपहर तक बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ठीक नहीं थी यूस्ट्रा की। आप लोगों से दुआ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ज़रूर मेरी बेटी के लिए यूस्ट्रा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको खैर आफियत से सेहत दें और खैर आफियत से ठीक कर दें और अल्लाह पाक सबके बच्चों को और सबके औलादों को खैर आफियत की सेहत कामला अजर दें और अल्लाह पाक यूस्रा को भी खैर आफियत से जल्द अज़ल्द ठीक करें, अल्लाह पाक किसी को औलाद का गम ना दे और अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखें, अमीन सुमा में। तो इस वजह से मैंने कोई बाहर जाके हरम जाके व्लॉग नहीं बनाया, इस वजह से आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो जब भी जाऊँगी इंशाल्लाह जहाँ भी जाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी जो भी होगा। तो बार यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग लाजमी दुआ करें और केला पाकिस्तान को खैर आफियत से ठीक कर दें और फिर कभी भी ऐसी उल्टियाँ ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं, माएँ जानती हैं सब कुछ क्योंकि जो भी माँ हैं उनको एहसास होगा क्योंकि माएँ तो जानती हैं और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस इस वजह से आप लोगों से कह रही हूँ कि यूस्रा के लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती रहूँगी यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूँगी, अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा और बाकी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि उससे मेरी वीडियोस की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकती है। तो अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह शुक्रिया।